और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अल्टो के ना क्या क्या कॉन्स हैं जो मेरे को लगे 3-4 दिन या फिर 4-5 दिन चलाने के बाद। अगर मैं बीच में बैठूंगा तो मेरे पैर लगेगा, ये देखो सीट में पूरा टच हो रहा है और ऐसे इधर भी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और अभी मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में हूँ। तो यहाँ पे देखो सामने सनराइज हो चुका है। तो ये मेरा गांव है, तो आजकल यहीं पे आ रखा हूँ मैं घूमने के लिए। अभी कुछ दिनों बाद जाऊंगा वापस दिल्ली। तो अभी के टाइम खाने में बन रखे आलू के पराठे, उसके साथ है घी और मिर्ची की चटनी, तो ये खाएंगे अभी सुबह सुबह। तो अब हम खा रहे हैं गांव की खीरा। देखो यहाँ पे एक खीरा इतना सारा होता है, इसमें हम ये चटनी लगा रहे हैं, मिर्च की चटनी, मिर्च और नमक की चटनी और लहसुन की चटनी। तो अभी के टाइम बैठ रखा हूँ मैं यहाँ अपने घर के बाहर कुर्सी में, और सामने देखो नीचे मैच चल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे विकेट लगा रखी है और देखो बाउंड्री दिखा देता हूँ आपको, ये रही बाउंड्री, ऐसे चारों तरफ लगा रखी है बाउंड्री। और यहाँ पे बैठ के मैं ये लड्डू खा रहा हूँ पहाड़ों के बीच में बैठ के मजे से आराम से। पहाड़ों में तो यार सारी चीज खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, सारी चीजों का ना टेस्ट बढ़ जाता है यहाँ पे खाने में। तो अब पहुंच गया हूँ रोड पे गाड़ी के पास। इसमें से सामान निकाल के देना था मम्मी को, मम्मी शादी में जा रही है ना, जिस शादी में हम आए हैं आज वहाँ पे वो है क्या बोलते हैं, कितनी गंदी हो रही है यार, ये साफ करनी पड़ेगी अच्छे से। तो ये मेरा पंप है, ये वाला पंप, वैसे ये कार में भरने के लिए नहीं होता, कार में भरने में हालत ख़राब हो जाएगी, पर फिर भी काम आ जाता है, भर देता है हवा, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ताकत लगती है इंसान की। और यहाँ पे मेरे शूज़ रख रखे हैं, बॉक्स रेड टेप का है लेकिन शूज़ हैं HRX वाले। और ये हमारा डॉगी आ गया रोमी, पता नहीं कहाँ से घूम के आ रहा है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. तो बहुत साल हो गए इसे, वो नहीं है, ये तो आज ही लाए। हाँ। तो वाला का तो देखो यहाँ पे ना ये सिंग लगा रखा है, ये उसके हैं भेड़ के सिंग, जो मेल होता है ना भेड़ में उसके सिंग ऐसे यहाँ पे घर में लगाते हैं। और यहाँ नीचे अभी तक क्रिकेट चल रहा है, बहुत सारे गांव के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। तो अब टाइम शाम के 4 बज चुके हैं और शाम को 4 बजे बैठ चुका हूँ अपनी अल्टो के अंदर। थोड़ा सा सामान लेने जाना है सामने दुकान से और शाम हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा घूम के भी आ जाते हैं। आज तो यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही है सुबह से, शाम हो गई, 4:20 हो गए और लाइट गई थी, ये लगा लो सुबह 10 बजे या 9 बजे के आसपास चली गई थी या फिर उससे भी पहले, और अभी तक लाइट नहीं आई। वैसे तो यहाँ पे लाइट की इतनी दिक्कत है नहीं, जाती नहीं है कभी भी, जिस दिन से हम आए हैं ना रेगुलर लाइट है, 1 घंटे के लिए भी नहीं गई, लेकिन आज चली गई। और आज जब चली गई तो आई नहीं रही है सुबह से। अब देखो जैसे मैंने गाड़ी बंद कर दी है तो अब इसका स्टीयरिंग नैनो जैसा हो गया, मैनुअल। अब ये गाड़ी ना स्लोप में खड़ी है, जैसे मैं ब्रेक छोड़ूंगा पीछे, अरे पीछे नहीं हो रही, अब देखो पीछे हो रही है धीरे धीरे, ये देख रहे हो। और इन गाड़ियों में एक ये भी दिक्कत होती है, जब ये बंद होती है तो इसमें ब्रेक नहीं लगती, इसीलिए ये सारी चीजें मत किया करो। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अल्टो के ना क्या क्या कॉन्स हैं जो मेरे को लगे 3-4 दिन या फिर 4-5 दिन चलाने के बाद। वैसे तो गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये देख लो पहाड़ों में हर जगह आपको यही दिखाई देगी, लेकिन फिर भी इसमें थोड़े थोड़े नुकसान है, कॉन्स हैं, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला तो यार एक नुकसान इसमें मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा लगा, इसमें ना बैठते टाइम और उतरते टाइम ना ऐसे फंसा फंसा सा लगता है, पैर टच हो जाते हैं स्टीयरिंग पे जब इसमें बैठते हैं। वैसे तो सिटिंग पोजीशन इसकी सही है, कंफर्टेबल है, बस वही है निकलते टाइम और बैठते टाइम थोड़ी दिक्कत होती है। और हो सकता है मेरे को नैनो की आदत है, नैनो थोड़ी खुली खुली सी गाड़ी है ना, तो उसके बाद इसमें लगती हो, लेकिन दिक्कत तो है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा नीचे नीचे से बैठना पड़ता है तो इसलिए पैर टच होते हैं, एक तो फटाफट निकला नहीं जाता और फटाफट बैठा भी नहीं जाता। दूसरा नुकसान इसमें मेरे को ये लगता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है, तो ना छोटे छोटे ब्रेकरों में भी टच हो जाती है ये। मेरे ख्याल से इसमें आपको 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और वही नैनो में आपको मिलता है 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस, तो अगर नैनो से कंपेयर करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। नैनो को तो मैं ऐसे ही चढ़ा देता हूँ एकदम सीधा सीधा कितने भी बड़े ब्रेकर में, और वो आज तक कभी भी नहीं लगी नीचे से, लेकिन ये लग जाती है थोड़े से ब्रेकर में, तो एक इसमें थोड़ा सा नुकसान है। वैसे इसमें ही नहीं, जो भी नीचे गाड़ी है जिनका ग्राउंड क्लियरेंस इतना है उन सब में ही होता है ये।
पर ये कि अगर आपके यहाँ ज्यादा ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, ब्रेकर्स हैं, तो आपको थोड़ा धीरे धीरे ही निकालनी पड़ेगी। और आप बाहर से देख लो एक बार अल्टो को बाहर से कैसी लगती है। इसके अलावा जो अगला डिसएडवांटेज है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी हल्की रहती है, वो तो आपको सारी मारुति की गाड़ियों में दिखेगी। लेकिन ये है कि ये थोड़ी पुरानी है, 10 साल पुरानी अल्टो है, तो इसमें आपको फिर भी थोड़ी मजबूत बॉडी मिल जाती है, मजबूत बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वाली खरीदोगे तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कम क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, जो कि थोड़ी सी टच होने पे उसमें स्क्रैचेस डेंट पड़ जाते हैं। और अगली चीज़ जो मेरे को इसमें थोड़ी कम लगी वो है स्पेस। इसमें स्पेस की ना काफ़ी ज़्यादा कमी है, खासकर पीछे वाले रो में। आगे तो चलो फिर भी आप सीट आगे पीछे करके स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन पीछे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो देखो जैसे मैं पीछे बैठता हूँ ना, तो बस इतना ही स्पेस बचता है। और अगर कोई इंसान इसमें बीच में बैठता है, अगर आप 5 लोग बिठा के ले जाते हो ना, तो देखो अगर मैं बीच में बैठूंगा तो मेरे पैर लगेगा ये देखो सीट में, पूरा टच हो रहा है। और ऐसे इधर भी, इधर मैंने अपनी सीट कुछ ज़्यादा ही आगे कर रखी है, तो इसीलिए थोड़ा स्पेस बच जा रहा है। और बीच में आपको इसमें हम्प भी मिलता है, तो आप बीच में भी ऐसे पैर नहीं रख सकते, आपको साइड में ही रखने पड़ेंगे और पैर ऐसे टच रखने पड़ेंगे। बल्कि मेरी हाइट तो इतनी ज़्यादा है भी नहीं, तो मेरी हाइट है 5'7". अगर आपकी हाइट उससे भी ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें पीछे बैठने में। और देखो जैसे मैं पीछे बैठ जाता हूँ बीच में, तो साइड में इतनी जगह बचती है और इस साइड में इतनी जगह बचती है। वैसे तो 5 लोग चले जाएंगे, इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें टाटा नैनो से, तो उसमें एकदम आराम से ना पीछे 3 लोग बैठ जाते हैं। उसमें ऐसे स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, नी रूम भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको एकदम फ्लैट फ्लोर मिलता है, तो जिसकी वजह से बीच वाला भी अपना आराम से यहाँ पे पैर रख सकता है। और ऐसे उसकी विड्थ भी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसीलिए स्पेस के मामले में भी थोड़ी सी कमज़ोर है ये वाली कार अल्टो 800। अल्टो K10 हो 800 हो, दोनों में एकदम सेम सही स्पेस मिलता है, बस दोनों में इंजन का फर्क है और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक्स चेंजेस हैं। तो इसीलिए जो तीसरा इसमें मेरे को वो लगा नुकसान, वो स्पेस का ही है। बाकी वैसे तो फायदे भी बहुत हैं इस गाड़ी के, जैसे इसका इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पावरफुल गाड़ी है, हल्की है, तो इसलिए पावर की कमी लगती नहीं है इसमें, आराम से कहीं पे भी चढ़ जाती है। लाइट्स इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, रात को दिखा देती है। रियर व्यू मिरर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसके, एकदम स्टेबल रहते हैं और इसे आप इंटरनली एडजस्ट कर सकते हो। माइलेज इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आपको आराम से 20 के आसपास का माइलेज दे देती है पेट्रोल में, ये पेट्रोल है। और CNG में अगर आप CNG लगवाते हो तो 30 तक का माइलेज दे देती है, 25, 30 या फिर 35 तक का माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा। वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन में चला रहे हो, भीड़ में चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, खाली रोड पे चला रहे हो, हाईवेज पे चला रहे हो। तो हाईवेज पे चलाओगे तो आपको 35 तक की भी माइलेज ही आराम से निकाल के दे देगी CNG में, और वहीं पेट्रोल में चलाओगे तो हाईवे पे 20 से 25 के MPL की आपको माइलेज मिल जाएगी। लेकिन अब ये वाली जो अल्टो है ना 800, ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब सिर्फ आपको K10 वाली मिलेगी। उसमें आपको 1000 cc का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, तो उसकी माइलेज इसके बराबर नहीं है, इससे थोड़ी सी कम माइलेज मिलेगी उसमें आपको, पर यह है कि इतनी ज़्यादा कम भी नहीं मिलेगी, ठीक ठाक माइलेज दे देगी वो भी। और अगला आपको इसका वो बता देता हूँ डिसएडवांटेज, वो है कि इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ये देख लो, खोल के दिखा देता हूँ आपको, तो इतना ही आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। इसमें 2-3 बैग आते हैं फिर ये भर जाता है पूरा का पूरा। और वहीं इस प्राइस रेंज में अब आपको टियागो भी मिल जाती है, टाटा की टियागो, तो उसमें आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। मतलब उतने ही प्राइस में आपको बिल्ड क्वालिटी भी ज़्यादा मिल जाती है, पावर भी ज़्यादा मिल जाती है। भले ही आप अल्टो K10 से कंपेयर कर लो तो टियागो में आपको ज़्यादा पावर मिलती है, बड़ा इंजन मिलता है 1200 cc का, बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मिलती है, स्पेस ज़्यादा मिलता है, चाहे आगे की बात करो या बूट स्पेस की बात करो, सेफ्टी आपको ज़्यादा मिलती है। बस ये है कि उसमें माइलेज थोड़ी कम मिलती है अगर कंपेयर करोगे अल्टो से, और माइलेज भी इतनी ज़्यादा भी कम नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा दोनों की माइलेज का। तो गाड़ी यार बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो इसे अभी थोड़ा साफ़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे ना गंदी हो जाती है क्योंकि ये कच्चा रोड है, थोड़ी सी चलाओ तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है, फिर रात को यहाँ पे ओस गिरती है बहुत ज़्यादा, तो मिट्टी जम जाती है। तो अब देखो गाड़ी कर दी हमने साफ, अब देखो पहले से कितनी ज़्यादा शाइन आ गई इसमें। अभी भी वैसे इसमें बहुत मिट्टी चिपक रखी है, लेकिन ये ऐसे कपड़े से साफ़ नहीं होगी। इसको वहाँ ले जाएंगे कल गदेरे में, यहाँ पे आगे ना पानी है बहुत ज़्यादा, नदी का पानी आता है, तो वहाँ पे साफ़ करेंगे। वैसे तो अभी भी कर सकते थे, लेकिन यार अभी डर लगता है मेरे को ऐसे अकेले में, उसके लिए कोई साथ में बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बाघ वाघ का भी रिस्क रहता है ना। वैसे अब शाम का टाइम होने लग गया है, और कल हम आ रहे थे ना तो हमने भेड़िए भी देखे थे रास्ते में घूमते रहते हैं, यहाँ भेड़िए हो गया, जंगली सूअर हो गया, बाघ हो गया, तो इसीलिए रिस्क ही रहता है। जहाँ पे गाँव था ना उससे बस थोड़ी सी दूर में ही दिखे थे वो हमें,
100 मीटर की दूरी पे। बहुत सारी जगह तो एकदम ही क्लीन हो गई, जैसे ये हो गया देखो, इसका बोनट एकदम क्लीन हो गया। तो नैनो साफ करके अब निकल चुके हैं हम, अब आगे से यू टर्न ले लूंगा, यहीं पास में ही है। I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. चलो गाड़ी को हमने कर लिया यू टर्न, अब जा रहे हैं वापस घर। घर जाने से पहले थोड़ा सा सामान लेना है आटा वाटा दुकान से, फिर इसके बाद सीधा चलेंगे घर। इसके अलावा तो यार और कोई डिसएडवांटेज है नहीं इसका, मतलब और कोई बेकार चीज जो मेरे को इसमें लगी, बस यही कुछ कुछ चीजें हैं, बाकी तो गाड़ी बढ़िया है। एकदम चलाने में भी मजा आ जाता है इसे, स्मूथ है, इंजन भी इसका काफी ज्यादा, और स्टीयरिंग भी काफी ज्यादा लाइट है, गाड़ी भी काफी ज्यादा लाइट और छोटी है, कहीं भी मुड़ जाती है आराम से। सस्पेंशन भी ना इसके काफी ज्यादा अच्छे हैं, ऊबड़ खाबड़ रस्तों को भी आराम से झेल लेते हैं, और पहाड़ों में तो इसे चलाने में और भी ज्यादा मजा आता है। वैसे मैंने ये गाड़ी ना कभी प्लेन में नहीं चलाई है, सिर्फ मैंने ये पहाड़ों में ही चलाई है, क्योंकि इसको लेते ही हम पहाड़ों में आ गए थे, तो प्लेन में पापा ने ही चलाई थी, पहाड़ों में चलाई है मैंने बस, तो इसलिए प्लेन का मेरे को इसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो बस यही कुछ कुछ चीजें मेरे को बेकार लगी अल्टो 800 में कुछ टाइम चलाने के बाद। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।